रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, क्योंकि किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। सो गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स, आज है 26 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली मॉर्निंग में 4:30 पर स्पेशल करंट अफेयर्स लेकर आता हूँ, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए आपको मैं डेली कहता हूँ, मॉर्निंग में 10 मिनट का टाइम ऑनलाइन एसडी पॉइंट को जरूर दिया करें, क्योंकि इस 10 मिनट में दोस्तों आपको पता है करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके के लगभग 50 से 60 क्वेश्चन मैं कवर करता हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और मैं आपको डेली कहता हूँ, आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाया करें, ताकि आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सके। ठीक है, चलिए इस वीडियो को एक लाइक करके मोटिवेट जरूर करिए, हमें हौसला बढ़ाइए, काफ़ी अच्छा लगता है। फटाफट वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। जितने फ्रेंड्स आपकी तैयारी करें, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये बेहद महत्वपूर्ण सेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। हाल ही में किसे नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है, यानी भारत के नए होम सेक्रेटरी कौन बनाए गए हैं, किसको अपॉइंटमेंट किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अजय कुमार भल्ला को। ठीक है, ऑप्शन डी, अजय कुमार भल्ला। देखिए किसका स्थान लेंगे अजय कुमार भल्ला, ये इससे पहले जो राजीव गाबा थे उनकी जगह लेंगे अजय कुमार भल्ला। ठीक है, तो गृह भारत के नए होम सेक्रेटरी बनाए गए हैं। ठीक है, गृह मंत्रालय में इनको नियुक्त किया गया है। तो गृह मंत्रालय के यहाँ पे होम मिनिस्ट्री की बात हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पे होम मिनिस्ट्री के बारे में आपको बता दें। देखिए, इस मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो गृह मंत्रालय की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1947 में। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, यानी कि होम मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? देखिए दोस्तों, वर्तमान में जो भारत के केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो हैं अमित शाह जी, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह जी। ठीक है, इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स कौन है, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं जी किशन रेड्डी। ठीक है, जी किशन रेड्डी। ओके फ्रेंड्स, देखिए अगर बात करें हम इस मंत्रालय की, तो ये देखिए इंटरनल सिक्योरिटी, डोमेस्टिक पॉलिसी के लिए मेंटेनेंस और रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मेंटेनेंस करता है और रिस्पॉन्सिबल भी है इंटरनल सिक्योरिटी और डोमेस्टिक पॉलिसी के लिए। ठीक है, चलिए तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे अगर कुछ और अपॉइंटमेंट हुई है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए आप याद रखिएगा, सुभाष चंद्र गर्ग ये कौन से बनाए गए हैं सचिव, सुभाष चंद्र गर्ग बनाए गए ऊर्जा सचिव, यानी पावर सेक्रेटरी बनाया गया है सुभाष चंद्र गर्ग को। अतानु चक्रवर्ती की बात करें तो इनको बनाया गया है आर्थिक मामलों का सचिव, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी बनाया गया है अतानु चक्रवर्ती को। अंशु प्रकाश की बात करें तो इनको कौन सा सेक्रेटरी बनाया गया है, दूर संचार विभाग में सचिव बनाया गया है, टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया गया है किसको, अंशु प्रकाश को। ओके, तो ये आप चारों अपॉइंटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम्स के लिए जरूर याद रखेंगे। तो हाल ही में नया केंद्रीय गृह सचिव होम सेक्रेटरी किसको नियुक्त किया गया है, अजय कुमार भल्ला, जो कि राजीव गौबा का स्थान लेंगे। इसके अलावा दोस्तों, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है, फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, विजय केशव गोखले, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है, अजीत डोभाल हैं। ओके, और देखिए केंद्र सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं दोस्तों कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ठीक है, तो तीनों फैक्ट आपको याद रखना है। केंद्रीय गृह सचिव कौन बन गए हैं, अजय कुमार भल्ला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से दोस्तों। चंद्रशेखर द लास्ट आइकॉन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स के लेखक कौन है, तो देखिए दोस्तों, चंद्रशेखर द लास्ट आइकॉन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स के लेखक हैं हरिवंश और रविंद्र दत्त वाजपेयी, यानी कि इसका ऑप्शन डी, एक और दो दोनों। हरिवंश जी ये कौन है, हरिवंश नारायण सिंह, राज्यसभा के वर्तमान में उपसभापति हैं। ठीक है, उपसभापति, राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति कौन है, हरिवंश सिंह, इनके द्वारा और रवि दत्त वाजपेयी द्वारा लिखी गई है बुक। ठीक है, इसका विमोचन किसने किया है, अपने मोदी जी ने किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने चंद्रशेखरन पुस्तक का विमोचन किया है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सोच रहा हूँ, जो अभी रिसेंटली कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं उनके ऑथर्स, उसका मैं आपको रिविज़न करा देता हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा, साथ में नोट डाउन करते चलिए। अभी हाल ही में यशवंत सिन्हा की एक आत्मकथा आई थी, आत्मकथा क्या नाम है, रिलेंटलेस। यशवंत सिन्हा की आत्मकथा रिलेंटलेस, इसका विमोचन किसने किया था, तो जो पूर्व राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी जी ने यशवंत सिन्हा की आत्मकथा का क्या क्या विमोचन किया था, देखिए। और यशवंत सिन्हा कौन थे, बीजेपी के सीनियर लीडर थे। ठीक है, यशवंत सिन्हा, इनकी बुक का नाम है, आत्मकथा का नाम है रिलेंटलेस। नेक्स्ट जो हमारी बुक काफ़ी महत्वपूर्ण है, किसने विवेक दीपनी नामक पुस्तक का विमोचन किया था हाल ही में, देखिए तो विवेक दीपनी नामक पुस्तक का विमोचन किया एम वेंकैया नायडू ने। ठीक है,
तो ये दोस्तों, ये जो बुक है ये 10 भारतीय भाषाओं में लिखी गई है। इसका विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने किया था। और दोस्तों ये अंग्रेजी और भारत की 9 भाषाओं में लिखी गई है और ये भारतीय ज्ञान शास्त्र पर आधारित पुस्तक, ठीक है, विवेक दीपनी एम वेंकैया नायडू ने विमोचन किया। अगली जो पुस्तक है देखिए दोस्तों, आत्मकथा है अनुपम खेर की। इसका क्या नाम है? लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। इसके राइटर है अनुपम खेर, ठीक है। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, अनुपम खेर आपको पता है कि बॉलीवुड के फेमस एक्टर हैं। चलिए अगली जो काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, बाबा रामदेव योग गुरु बाबा रामदेव की आत्मकथा पुस्तक, क्या नाम है? माई लाइफ माई मिशन। ये बाबा रामदेव की आत्मकथा है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो बुक है हमारी, द वर्डिक्ट डिकोडिंग इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? प्रणव राय। द वर्डिक्ट डिकोडिंग इंडियाज इलेक्शन पुस्तक लेखक है प्रणव राय। तो सारे बुक्स दोस्तों एग्जाम पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम पूछा था तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फटाफट वीडियो लाइक करके शेयर कर दीजिए, लास्ट में कुछ उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा देखिए दोस्तों, भारतीय मूल हाल ही में भारतीय मूल के प्रीति पटेल को किस देश का गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है किस देश का? ब्रिटेन का, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बने हैं बोरिस जॉनसन ने, भारतीय मूल की प्रीति पटेल को देश का गृह सचिव नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया गया? प्रीति पटेल को। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटेन के अभी नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बोरिस जॉनसन। इससे पहले कौन थी? थेरेसा मे। ब्रिटेन की बात हो रही है तो ब्रिटेन से रिलेटेड एक करंट अफेयर्स का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जलवायु आपातकाल यानी क्लाइमेट इमरजेंसी घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ब्रिटेन। और दूसरा देश कौन सा है दोस्तों? आयरलैंड, दूसरी कंट्री, ठीक है। पहला है ब्रिटेन, ब्रिटेन की संसद ने घोषित किया अभी कुछ दिन पहले, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ब्रिटेन की राजधानी क्या है? तो वो है लंदन। ब्रिटेन की करेंसी क्या है? तो वो है पाउंड स्टर्लिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में भारत का क्या स्थान है? यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 52 नंबर पर है। देखिए, जो वर्तमान में भारत के कॉमर्स इंडस्ट्री और रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल ने इस सूचकांक को, इंडेक्स को लॉन्च किया था, ठीक है, 24 जुलाई को लॉन्च किया नई दिल्ली में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि लास्ट ईयर जो भारत की रैंक थी वो क्या थी, पिछले वर्ष 57वें पायदान से 5 स्थान ऊपर चढ़कर भारत जो है 52वें नंबर पर आ गया है, ठीक है। लास्ट ईयर 57 थी, अब 5 स्थान अप हो गया है, ठीक है, ऊपर चढ़कर 52वें स्थान पर आ गया है। नंबर वन पर कौन है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में नंबर वन पर कौन है? स्विट्जरलैंड है, पहले नंबर पर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात करें अगर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की दोस्तों, तो इसको जो कौन पब्लिश करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो इसको पब्लिश करता है देखिए एक क्रॉनेल यूनिवर्सिटी और इनसेड, और इसके अलावा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इन तीन मिलकर जो है पब्लिश करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ओके। चलिए तो वैश्विक नवाचार सूचकांक धोनी से भारत की रैंक आपको याद रखनी है 52 नंबर पर, नंबर वन पर है स्विट्जरलैंड। और वर्तमान में भारत के केंद्रीय वाणिज्य उद्योग रेलवे मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में HAL ने भारतीय नौसेना को कौन से हेलीकॉप्टर की आपूर्ति की है? तो ये HAL क्या है? ये तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को चेतक हेलीकॉप्टर की आपूर्ति की है। एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था 2017 में 8 चेतक हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए, तो भारतीय नौसेना को समय से पहले जो है हेलीकॉप्टर आपूर्ति की है। HAL के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु इंडिया में, ठीक है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर। देखिए ये क्या है, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तो एक इंडियन स्टेट ओन्ड एयर स्पेस और डिफेंस कंपनी है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1940 में। इसके जो वर्तमान में चेयरमैन और MD हैं वो कौन है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो HAL के वर्तमान में चेयरमैन और MD हैं R माधवन, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में, ओके। तो HAL ने भारतीय नौसेना को कौन से हेलीकॉप्टर की आपूर्ति की है? चेतक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रपति कप मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन बने हैं? तो हाल ही में राष्ट्रपति कप मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता बन गए हैं शिव थापा। ये कहाँ पर आयोजित की गई थी राष्ट्रपति कप मुक्केबाजी टूर्नामेंट? अस्ताना कजाकिस्तान में। जो शिव थापा हैं ये 4 बार के एशियाई पदक विजेता हैं कजाकिस्तान के अस्ताना में। प्रेसिडेंट कप मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता बन गए हैं शिव थापा, ओके।
चलिए इसके अलावा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, CSR जनरल एक्सीलेंस अवार्ड के तीसरे संस्करण का विषय क्या था, यानी कि जो CSR अवार्ड है इसका थर्ड एडिशन का जो थीम था वो क्या था। तो इसकी थीम थी इंडिया फर्स्ट, ऑप्शन सी इंडिया फर्स्ट। ठीक है, देखिए CSR ये क्या है, CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल एक्सीलेंस अवार्ड के थर्ड एडिशन का थीम था इंडिया फर्स्ट। देखिए इसमें जो 6 फर्म हैं उनको जो ये अवार्ड मिला है, 6 फर्म कौन कौन सी हैं वो, टाटा पावर, रिन्यू पावर, हिंदुस्तान जिंक, आदित्य बिरला और यस बैंक लिमिटेड और महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसके पुरस्कार के विजेता हैं। ठीक है, 6 फर्म थी। तो CSR जनरल एक्सीलेंस अवार्ड के थर्ड एडिशन में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए 6 फर्मों को सम्मानित किया गया है। ये 6 फर्म मैंने आपको बता दिए हैं। इसका जो थीम था वो था इंडिया फर्स्ट और CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अगला क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में किस राज्य में एक ऐसा पौधा मिला है जिसमें से लाल रंग का ड्रैगन रक्त निकल रहा है। तो हाल ही में ये असम में मिला है एक ऐसा पौधा जिसमें लाल रंग का ड्रैगन रक्त मिल रहा है। इसमें खासियत यह है दोस्तों, एक ऐसा पौधा मिला है इसमें प्राचीन काल में दवा, बॉडी, ऑयल वर्निश और डाई के रूप में यूज़ किया जाने वाला एक चमकदार लाल रंग का ड्रैगन रक्त निकल रहा है। देखिए ये भारत में पहली बार है जब भारत में ड्रैगन पेड़ से प्रजाति मिलने की जो है सूचना मिली है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे असम की बात हो रही है तो असम से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। असम की कैपिटल क्या है, असम कैपिटल है दिसपुर और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्थित है। देखिए दोस्तों असम के वर्तमान में CM कौन है, तो असम के वर्तमान में CM है सर्बानंद सोनोवाल और असम की गवर्नर है वो हैं जगदीश मुखी। देखिए स्टैटिक जीके का असम से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो स्टैटिक जीके क्वेश्चन पूछा जाता है असम में जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, असम में स्थित है। और यहाँ पे एक जो एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है वो काफ़ी फेमस है, तो एक सींग वाला गेंडा किस राज्य में मिलता है, काजीरंगा असम में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो वही वो बिहू डांस है दोस्तों असम का। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया बिहू असम का डांस है, तो ये आपको याद रखना है असम। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी जी ने किस शहर में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की म्यूजियम बनाने की घोषणा की है। तो मोदी जी ने इसकी घोषणा की है कहाँ पर, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में बनाया जाएगा ये म्यूजियम। तो इस म्यूजियम में दोस्तों जो जितने प्राइम मिनिस्टर हैं उनके निजी जीवन से लेकर उनकी पॉलिटिकल जो जर्नी है और उनकी जो सभी कुछ यहाँ पे संभाल के रखा जाएगा। और मोदी जी ने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस कंपनी ने टीम इंडिया की जर्सी पर नाम प्रदर्शित करने का अधिकार रखा है। तो टीम इंडिया की जर्सी पर अब जो नया नाम दिखेगा आपको, इसका जो राइट्स मिल गया है, इसका स्पॉन्सर बन गई है, वो बन गई बायजूस। ठीक है, तो बायजूस इससे पहले कौन थी, अप्पो थी, तो अप्पो के स्थान पर अब इसने खरीद लिया बायजूस ने लगभग 5 वर्षों के लिए। तो देखिए जो अभी वेस्ट इंडीज का टूर है उसमें तो नहीं, लेकिन जो अगला टूर होने वाला साउथ अफ्रीका का उसमें आपको टीम इंडिया की जर्सी पर अब बायजूस का जो है अब ये लिखा आएगा। ठीक है, बायजूस अब दिखा आएगा आपको उनकी जर्सी पर। देखिए दोस्तों बायजूस के बारे में हम बात करें अगर, तो बायजूस जो है एक लर्निंग ऐप है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर, बेंगलुरु कर्नाटका में। इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे वाइजू रविंद्र इसके फाउंडर थे। ठीक है, इस कंपनी की स्थापना हुई थी 2011 में। देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बायजूस से रिलेटेड कि बायजू के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आपने ऐड में देखा होगा कई बार शाहरुख खान जो है इसी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, बायजू के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान और ये जो एक्वायर्ड हो गई है इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर जो इसका राइट्स ले लिया है। ठीक है, तो आपको इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर बायजूस जो है कंपनी का ऐड दिखा आएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो का आंसर, कौन ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे कौन, बोरिस जॉनसन राइट आंसर था। आज का क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा हाल ही में किसे प्रतिष्ठित हिंदी रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया, आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना है। वीडियो लाइक करना, शेयर करना है दोस्तों। जो है कल एक इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड की गई है, पिछले 1 वर्षों के महत्वपूर्ण अवार्ड यानी कि पिछले जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन बनाए गए हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देख लें। इसके अलावा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँ, तो उस लिंक पर क्लिक करके जरूर देख लें, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।